नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GSTR 1 या IFF फाइल करते समय कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस क्या है देखते हैं। जैसे हम लोग पहले GSTR 1 या IFF फाइल करते थे तो सारा डेटा हम लोग भर देते, उसके बाद नीचे सबमिट वाले बटन पर जैसे क्लिक करते थे तो हमारा रिटर्न जो है फाइनल हो जाता, उसके बाद हम उसे मॉडिफाई नहीं कर पाते थे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी ये चेंजेस लाया है कि सबमिट वाले बटन को रिप्लेस कर लिया है जनरेट समरी बटन ने। तो यहाँ पे हम लोग अपना रिटर्न मॉडिफाई कर सकते हैं ये क्लिक करने के बाद भी, और उसके बाद ये फाइनल होने के बाद इसे हम लोग आगे वाला स्टेप पर जा सकते हैं जो है प्रोसीड टू फाइल और समरी। और यहाँ पर हम लोग हमारी समरी देख के फिर इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये चेंजेस लाए हैं, ये काफ़ी फ़ायदा होगा कि अगर हमें पहले कैसे था कि हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, कुछ चेंजेस रहेंगे तो वो करेक्शन हम लोग तुरंत कर पाएंगे। जैसे कि पहले रिटर्न में हम लोग एक बार सबमिट बटन कर दिया तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। फिर सारी समरी देखने के बाद आपको लग रहा है कि प्रॉपर है तो आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके EVC जनरेट करके आपका रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो अभी के इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो सब जनरेट टू समरी करने के बाद और प्रोसीड टू फाइल करने से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।